राधे राधे एवरीवन। आज हम लोग जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस, क्योंकि आज मेरे दोनों बच्चों का पासपोर्ट बनना है। हमें बस एक महीने का टाइम है और हमें इनका पासपोर्ट भी बनाना है, वीज़ा फिर इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ एक महीने में कवर करना है। अगर एक महीने के अंदर हमने नहीं किया तो हमें डेली का 500 दिरहम फाइन पे करना पड़ेगा। 500 दिरहम इंडिया का मतलब 11,000 लगभग हो जाता है, तो इतना फ़ाइन करना पड़ता है। तो हमें सारा काम बहुत जल्दी जल्दी करना है। इनका कल ही बर्थ सर्टिफिकेट बना है, तो आज हमें इनका पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जाना है। तो मेरे नन्हे से बच्चे के पास भी फिर पासपोर्ट आ जाएगा। जा रहे हैं, मम्मी जा रही है मेरे साथ, मैं और पंकज। पासपोर्ट के लिए चाहिए मैंडेटरी जो है मैरिज सर्टिफिकेट फर्स्ट। किसी भी कंट्री का है तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो अटेस्ट गवर्नमेंट से। उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए अरबिक एंड इंग्लिश। उसके बाद आपको अपना वीज़ा, वैलिड वीज़ा चाहिए, वैलिड एम्स आईडी चाहिए, और बच्चों का फ़ोटो चाहिए। बच्चों का फ़ोटो कैसा चाहिए अब शैलजा बताएगी। बच्चों की जो फ़ोटो चाहिए वो आंखें खुली होनी चाहिए, उसमें काजल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, कैप वगैरह नहीं पहनी होनी चाहिए, और जो उन्होंने ड्रेस पहना होगा वो डार्क कलर होना चाहिए, लाइट कलर नहीं होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड होगा फ़ोटो का वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये सब कुछ चीज़ों को ध्यान रख के हमें फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो भी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, एक खाली फेस की फ़ोटो चाहिए। मैंने कल काफ़ी सारी क्लिक तो किए, क्योंकि ये सीधी गर्दन कर रही है कभी इधर कभी उधर, और जब रो रहे थे तो आंखें बंद कर रहे थे, जब रो नहीं रहे थे, जब आंखें खोल रहे थे तो इधर देख रहे थे, कभी उधर सीधी देख ही नहीं रहे थे। मैंने कितनी सारी फ़ोटो क्लिक की हैं, अब देखो वो लोग कौन से सिलेक्ट करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग अपने साथ एक वाइट टी शर्ट लेके आए हैं बैकग्राउंड के लिए, और इनके लिए दो कपड़े भी लेके आए हैं, तो वहीं क्लिक कर लेंगे फिर। तो अभी टाइम 8:30 हो रहा है, अब हमारा अपॉइंटमेंट है 9:00 का। सो अभी हम पहुंच चुके हैं BLS ऑफिस पासपोर्ट के लिए। दोनों सो रहे इतने प्यार से। बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रीमियम वाला बुक किया है। नॉर्मल वाले में तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसमें नहीं है, तो इसमें फटाफट से काम हो जाएगा, फिर हम चले जाएंगे। तो अभी दोनों बच्चे रोने लग गए, दोनों को भूख लगी है, तो एक को एक पीने लगी है दूध, दूसरा अभी शांत है, तो अभी उसको थोड़ी देर में पिलाएंगे। और इनका दोनों का भी थंब इम्प्रेशन लिया है, पासपोर्ट के लिए ज़रूरी है वो। अब बस थोड़ा ही टाइम लगेगा, फिर हो जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं घर, बस एक घंटा लगा, 9 बजे का हमारा अपॉइंटमेंट था, 10 बजे तक सारा काम हो चुका था। अभी कितना टाइम हो रहा है, 10:30 ही हो रहा होगा ना, तभी घर में। और मेरा ब्रेकफास्ट ये है, अजवाइन का झोल, जो कि पूरा अजवाइन ही अजवाइन है, कुछ भी नहीं है इसमें, और रोटी। मेरी सास मुझे ऐसा खा, टमाटर भी नहीं डाला है। कैसा लग रहा है? किसको चुप कराऊं? एक को चुप कराऊं, उसको चुप कराऊं? चलो चलो जा, मैं आ तो जाओ, मैं उधर भैया को देखो, ठीक है? भैया तो सो रहे हैं। भैया उठो उठो, पापा को परेशान करो, उठ जाओ। पंकज कैसी फीलिंग आ रही है बाप बन के? पहले आपको बच्चे नहीं चाहिए थे, फिर सडनली अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई और इतने जल्दी बच्चे भी हो गए, कैसा लग रहा है आपको? पता नहीं चला कब हो गए। हाँ तो अब बताओ ना कैसा लग रहा है? अच्छा इधर है यार, इसको देख। पहले मुझे खाना तो खाने दो। इसको लग रहा है, इसको ब्रीथिंग में। तो आज पंकज करने वाले हैं मेरा फेस स्क्रब, क्योंकि मेरे फेस पे काफी पिंपल्स हो गए थे प्रेगनेंसी की वजह से। क्या है तो क्या हो गया? आपकी इज्जत कम हो रही है क्या? सबको दिखाएगी, लोग बोलेंगे कितना प्यार करता है पति अपनी पत्नी से। मैं दिखाऊंगी, पंकज सर मार है। हाँ। तो पंकज ने हाँ। बैठू लेटू मैं कैसे करूंगा फिर? तू लेटी गई तो मैं कहाँ बैठूंगा? अच्छा तो आप बताओ कैसे करना है? लेट जा सर, मैं रोज वाटर, आई एम रेडी फॉर माय फेशियल, नॉट फेशियल, स्क्रब, स्क्रब, फेस स्क्रब, जो कि कर रहे हैं एक्सपर्ट पंकज चंद।
छिछी पानी है। दिखा तो दो कौन सा स्क्रब लाए हो, कल ही खरीद के लेके आए हैं। एलोवेरा स्क्रब, ये है बिफोर स्क्रब, इसमें थोड़ा फिल्टर भी आ रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा है ना, उसमें फिल्टर आता है। आफ्टर स्क्रब दिखाती मैं आपको, बिटवीन का भी दिखाऊंगी। क्यों मार रहे हो? मसाज है वो। अरे चलो जाओ, हो गया हो गया। टेन तो लोग क्लीन भी तो करते हैं थोड़ा थोड़ा पार्लर वाले, तो पैसे भी तो देती है पार्लर वालों को। मुझे दे दिए मेरे पैसे, देना 500 ग्राम। बना दो बोला ना, मेरी फोटो मत निकालना। क्या हो गया बंगज, जैसे कि लोग जानते नहीं आप। आप बेइज्जती कर रही है। जैसे कि लोग जानते नहीं आपको बोला। अच्छा। वो तो मुझे वेट टिश्यू चाहिए, वेट टिश्यू नहीं है। हो गया है मेरे स्क्रब, पंकज इसको करेंगे क्लीन, फिर मैं बाथरूम में जाके खुद फेस वॉश करूंगी। डायपर से कर दूं? सो ये है मेरा फेस आफ्टर स्क्रब। अभी भी काफी सारे दाने हैं, पर पंकज ने बहुत कोशिश की इनको निकालने की। तो अभी इवनिंग का टाइम है और दादी और नानी दोनों चले गए हैं मार्केट, मॉल गए हैं। पंकज तो ड्यूटी गए हैं, मुझे अकेला छोड़ के इन दो बच्चों के साथ। एक तो सो रही है, ये भी लगभग सो ही रहा है। इसको ना हिचकी आ रही थी, बोलते ना हिचकी आती तो बढ़ जाए, बच्चों को ज़्यादा आती है, तो मुझे बहुत दया आती है, भी सो रहा था। फिर मैंने उसको अपनी गोद में ले लिया, अब सो गया है, अब नहीं आ रही थी। मैं इसको सुला दूँगी ना बाबू, ना बाबू से हेलो, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अब मैं बस, मैंने उनको बोला कि जल्दी जल्दी आना, क्योंकि दो बच्चों को अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल है, दोनों साथ में रहते मैं क्या करूँगी, दोनों को फीड भी कैसे दूंगी मैं। तो बस क्योंकि मम्मी को ड्रेस लेनी थी इन दोनों के लिए इंडिया से, तो इतनी जल्दी आई नहीं, क्योंकि मम्मी मेरी डिलीवरी से पहले आ गए थे, तो एक ड्रेस तो उनको लेनी ही थी, तभी अभी दोनों गए हुए हैं। हम जल्दी जल्दी लेके जल्दी जल्दी आ जाएंगे, देखो कितना टाइम लगाते हैं। आधा घंटा हो गया और इसको मैं गोद में लिए हूँ, गोद में सो रहा है और नीचे रख रही हूँ तो रो रहा है, पता नहीं आज ऐसा क्यों कर रहा है। और वो तो प्यार से सोई हुई है, ये नहीं छोड़ा। अभी तो आंखें भी खोल दी इसने। छो जाओ छो जाओ, निन्नू को लो, निन्नू, मामा को परेशान मत करो। आंखें खोल रही कि कभी सो रहा है ऐसे, कभी ऐसे आंखें खोल रहा है, मैं क्या करूँ इसका। और नीचे रखी तो रो रहा है, और ये रोएगा तो फिर वो भी उठ जाएगी। मम्मी लोग अभी तक आए नहीं हैं। अब सो जाओ, ठीक है, गुड नाइट बोलो सबको, गुड नाइट। बड़ी मुश्किल से अभी सोया है नीचे, एक घंटे बाद मैंने यहाँ पे गायत्री मंत्र लगाया, उसके बाद ये सोए। ये प्यार से छोला मेरा बच्चा, दोनों ही उठ गए अब तो। ये देखो, ये तो मैं बोल रही थी ना, ये सो ही रहा, बड़ी मुश्किल से मैंने बोला था सोया, दोबारा तो उठ गया ये देखो, और अब तो लड़की भी उठ गई हूँ। मम्मी लोग भी नहीं आए, इतना टाइम लगा दिया उन्होंने आज, पता नहीं क्यों। अभी 9 बज रहा है, ये है मेरा डिनर, अंडा उसके साथ सूप और रोटी। बच्चे अभी दोनों सो रहे हैं, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।